एवरीबडी, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल न्यूटन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड्स की प्रेपरेशन और सीटी की प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपके पहले तो कुछ डाउट्स क्लैरिफाई करने वाली हूँ। ये 50-50 रूल्स के हिसाब से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ उससे रिलेटेड। दूसरी, मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी पर बात करने वाली हूँ, ठीक है, कि अब आज से लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पर हम आज बात करेंगे और एक स्पेशल चीज़ आपके लिए लास्ट में है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप पुराने हैं मतलब आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं चैनल पर, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, वहीं पर साइड में होता है, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो वैसे के वैसे ही मिल जाए, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्टेंट एवरी डे डाल रहे हैं। आप कितने भी यूट्यूब चैनल्स जाकर देख सकते हो, सीईटी से रिलेटेड कोई भी एवरीडे वीडियो नहीं डाल रहा है। वी आर पुटिंग वीडियोज एवरीडे एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आपको हमारे को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको सारे अपडेट्स, स्टडी टिप्स, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है या जो भी कुछ हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इनफैक्ट कॉलेज जब तक आपको नहीं मिलता तब तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा और हमें खुश करिएगा। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है हमारी 50-50 रूल। तो पहले तो मैं बताती हूँ 50-50 रूल क्या है। तो 50-50 रूल का मतलब ये है कि आपके जो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में जो नंबर आएंगे या परसेंटेज आएगी उसको 50%, और आपका जो MHT CET का स्कोर रहेगा उसका 50% बना के एक नया स्कोर बनेगा, और उससे आपकी रैंकिंग और आपको एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ होती है 50-50 रूल। तो क्या ये चीज़ इस साल फॉलो होने वाली है? तो द आंसर इज़ नो, ठीक है। सीईटी के साइड से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। हमारे जब जो भी कम्युनिकेशन होती है उसमें भी उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और दूसरी चीज़, आप ये सोचिए कि अगर ये चीज़ होनी ही होती तो वो लोग आपको अभी तक बता चुके होते। क्यों बता चुके होते आपको अभी तक? क्योंकि बच्चे फिर उसी के हिसाब से सीईटी में प्रिपरेशन करते, राइट, कि बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करते कि हाँ चलो हमारे 50% मार्क्स काउंट होने वाले हैं तो हमें बोर्ड्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, जो एक सर्टन टाइप की कैटेगरी के पीपल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली आपकी नहीं होने वाली है, उसके रीजंस मैंने आपको दे दिए। सीईटी सेल से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, प्लस उनको करना होता तो वो बोर्ड्स के पहले अनाउंस कर देते जिससे कि बच्चे बोर्ड्स में अपना 100% दें, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल चिल रहना है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। स्ट्रैटेजी सिंपल सी रहेगी। हाल फिलहाल आपका जो मेन एम होना चाहिए वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। कैसे होगा वो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स से, NCERT की बुक्स को अच्छे से आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है, और रिवीजन के तौर पे हम आपके लिए क्रैश कोर्स ला रहे हैं, ठीक है। तो क्रैश कोर्स से क्या होगा कि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। आपकी कितनी परसेंटेज पढ़ाई हो चुकी है 50, 70, 80 बोर्ड्स की, वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए होगा या आप इंटरेस्टेड हो गए तो नीचे क्रैश कोर्स लिखिएगा। और तीसरी चीज़, अगर आपको वेटेज पे वीडियोस चाहिए आने वाले दिनों में तो W लेटर टाइप कर दीजिएगा। तीन चीज़ें, W, क्रैश कोर्स, और आपको लास्ट वाला आपको पता है वो है आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितना परसेंटेज आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स, NCERT की बुक्स को पूरा का पूरा मतलब अच्छे से चट कर जाना है, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए। फिर क्रैश कोर्स से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समरी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, वो आपको करना है, बोर्ड्स देने हैं अपने, और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप हमें वहाँ सब जगह भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम यूज़ लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और हम जल्दी सब कमेंट्स पर रिप्लाई करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, वही आपका 7:30। टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।